होने के बावजूद आप उनकी सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर सके और इतना बड़ा सानिहा जो है वो रूनुमा हुआ। क्या आपको ये पता था कि वहां पर धमाका होना है? ये धमाका इन्होंने खुद करवाया है ताकि जो हमदर्दी का वोट है और वो मामला जो है ना वो समेटा जा सके अपने हक में। हमारे यहाँ या सियासत का एक वतीरा है कि अगर कोई भी सानिहा हो जाए तो हम उसमें अपने मतलब की चीजें निकालते हैं। हम इसका जो बदला है वो इकतदार में आकर लेंगे। साहब ने कोई ऐसी बात है कि इकतदार में आके बदला लेंगे तो मेरा ख्याल है हाफ साहब ने ज्यादती की है। इस वक्त जिन्होंने ऐसा कभी फेल किया है उनको पकड़ के चौकों और चौराहों में लटकाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ में हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, कल बाजौड़ में जमीयत उलमाए इस्लाम के वर्कर कन्वेंशन में धमाका हुआ जिसमें 50 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बहक हुए और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया जब यह धमाका हुआ उससे चंद मिनट्स पहले उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं जिनकी बिना पर मैं उस वर्कर कन्वेंशन में शिरकत नहीं कर सकता। उन्होंने वहाँ शरीक होना था लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया और माजरत कर ली और शरीक ना हुआ, लेकिन चंद मिनट्स बाद ही वहाँ पर धमाका हुआ। इस हवाले से भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं कि आपको जब ये पता था कि वहाँ आपने नहीं जाना तो आप पहले बता देते, या फिर ये जो सिक्योरिटी मामलात हैं, सिक्योरिटी का फुकदान था, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, इस हवाले से आपने इंतज़ामिया से बात की नहीं की? अगर की है तो उन्होंने आपको सिक्योरिटी दी है या नहीं दी? अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी? आज के प्रोग्राम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि हम इक्तदार में आकर अब इसका बदला ज़रूर लेंगे। इस पर भी मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या अब उनकी हुकूमत नहीं है? क्या अब वो इक्तदार में नहीं है? जमीयत उलमाए इस्लाम के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, वो PDM के सरबराह है, यानी कि जो इक्तदार है वो उनके हाथ में है। तो वो जो बदला लेना चाहिए, जो कहते हैं हम बदला लेंगे, जो बदला लेना है भी अब लें, अब क्यों नहीं ले लेते? इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं या दीगर हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सानिया पेशावर है, सानिया मॉडल टाउन है, दीगर हैं, उस पर ये जो मिनिस्टर्स हैं या दीगर जो वज़रा हैं वो बयान देते हैं कि जी हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाते कि पुरजोर, ये बयान दे देते हैं कि हमने पुरजोर मजम्मत कर दिया, बस बात ख़त्म हो गई, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं होता। आए रोज़ ये धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी जो है ये फिर से सर उठा रही है, जो कि इस मौजूदा हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है, एक लम्हा फिक्रिया है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह हैं ML वली खान साहब, और उन्होंने कहा है कि ये जो धमाका हुआ है ये मौलाना फजल रहमान साहब ने बजाते खुद करवाया है, यानी कि उन्होंने फेमस होने के लिए, फेम लेने के लिए ये धमाका करवाया है। इस हवाले से मेरे पास प्रूफ जो है वो मौजूद है। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसके अलावा एक लास्ट बात रह गई कि FC एहलकारों को जो शहरी हैं उन्होंने हस्पताल से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है, यानी कि जो जख्मी हुए थे उस धमाके में वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके जो वर्सा है उन्होंने उन FC एहलकारों को धक्के मारे और हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिए। ये भी सिक्योरिटी अदारों के लिए एक सवालिया निशान है। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से मुनीर बिन मसूद साहब। जी मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि कल जमीयत उलमाए इस्लाम के वर्कर कन्वेंशन में धमाका हुआ जिसमें 50 से ज्यादा शहीद हुए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया जी, मुबारक भाई, आपने मुझे अपना मौका देने के लिए अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, जो बाजोड़ में धमाका हुआ है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। 50 से ज़्यादा मासूम लोगों की जान गई और 100 से ज़्यादा जख्मी हैं, और बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या था, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसकी तहकीकात करे और जो भी इसका जुम्मादार है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाए। अगर आप मुजरिम जो मुजरिम हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हम शुरू से अपनी ज़िंदगी में यही देखते आए हैं कि धमाके और सारी चीज़ें ऐसे ही
चलती रही हैं। तो इसका सदबाव जो है ना, बिलखसूस इन हालात में जिनसे पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा मुनीब भाई, बताइएगा कि हाफिज जो हमदुल्ला साहब है वो एक जमीयत उलमाए इस्लाम के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि हमने पहले इंतजामियों के हवाले से आगाह किया था, डेट बताई थी, बकायदा टाइमिंग बताई थी कि फलां टाइम को कन्वेंशन है, इसके बावजूद ये धमाका हुआ है और मासूम जाने गई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिलाशुबा बाजोड़ में जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, क्या सिक्योरिटी का फुकदान था वहां पर? देखिए, जाहिर बात है सिक्योरिटी का फुकदान था, या अगर कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे तो उन्हें सीरियस नहीं लिया गया, इसी वजह से ऐसा जो है ना वो सानहा रूनुमा हुआ। ऐसे जो बड़े प्रोग्राम होते हैं, जिली इंतजामिया या सूबाई इंतजामिया और एजेंसी की नज़र में उनकी इतलात भी होती हैं, उनके इंतजाम सिक्योरिटी के सारे मामला एजेंसी देख रही होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ था, मेरे इल्म में नहीं है, अगर ऐसा कुछ था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और इंतजामिया के इलम में थे, तो फिर तो ये सरासर कोताही है कि थ्रेट्स होने के बावजूद आप उनकी सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर सके और इतना बड़ा सानिहा जो है वो रूनुमा हुआ। अच्छा मुनीब भाई, एक तो ये बात है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, उसके बाद हाफिज अब्दुल्ला साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने माजरत की कि मैं इस कन्वेंशन में शिरकत नहीं कर सकता, यानी कि उस कन्वेंशन के स्टार्ट होने में चंद मिनट्स थे जब उन्होंने ये ट्वीट किया। अब इस उनके ट्वीट पे मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं, सोशल सार्फिन जो है वो काफी गुस्से में है, उनमें काफी गुमो गुस्सा है, वो कहते हैं कि आपको जब ये पता था कि आपने जब यह शिरकत नहीं करनी थी तो आप पहले आगाह कर देते थे, आपको ये कैसे, आपने ये ऐन वक्त पे बताया कि मैं शिरकत नहीं कर सकता था, क्या आपको ये पता था कि वहां पर धमाका होना है? और दूसरे नंबर पर यह भी कहा जा रहा है कि जमीयत उलमाए इस्लाम का इससे धमाके में हाथ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हम तो हुस्ने जन रखने वाले लोग हैं और चूंकि खुद एक सियासी पार्टी के अदना से कारकुन हैं, तो अमूमन ये हो जाता है कि ऐसे जो प्रोग्राम, जाहिर बात है ये कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं था, बाजोड़ का एक वर्कर्स कन्वेंशन था, और हो सकता है हाफिज हमदुल्ला साहब को उस वक्त कोई पार्टी की तरफ से कोई काम या कोई जाती मामला दरपेश आ गया हो जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। अमूमन हमने अपनी क्यादतों को देखा है, जो सियासी क्यादत पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो अपने वर्कर्स की दावत को आखिरी वक्त के ऊपर भी जो है वो मैनेज कर जाते हैं, और इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि मसरूफियत है और इस वजह से मैं नहीं आ रहा। लेकिन इन सारी चीजों को अगर हम इस चीज से जोड़ें कि शायद हाफ साहब को पता हो कि धमाका होना है और मैंने इस वजह से नहीं जाना, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती होगी। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि अपने 50-60 मासूम लोगों की जो है ना वो शहादत पेश की जाए और इससे ज्यादा जख्मी करवाए जाएं। क्यादतें रोज रोज नहीं पैदा होती, चाहे वो जिले की क्यादत हो, चाहे यूनियन काउंसिल के लेवल की हो, चाहे सूबाई लेवल की हो, और इनके तो उधर जो अमीर साहब थे बाजोड़ के, उनकी शहादत भी हुई है, बाकी लोगों का जानी माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ या सियासत का एक वतीरा है कि अगर कोई भी सानहा हो जाए तो हम उसमें अपने मतलब की चीजें निकालते हैं, बिल्कुल जैसे इमरान खान इमरान खान पे हमला हुआ था, उसके मुखालफिन ने अपने मतलब की चीजें निकाली, ये बाजोड़ वाला सानहा हुआ है, तो जो सियासी मुखालफिन हैं उन्होंने अपने मतलब की चीजें निकाली कि क्यादत वहां नहीं पहुंची और आखिरी वक्त पे उन्होंने बेल आउट किया प्रोग्राम से, तो शायद हो सकता है उन्हें पता हो। बल्कि सोशल मीडिया पे तो हम ये भी देख रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये धमाका इन्होंने खुद करवाया है ताकि जो हमदर्दी का वोट है और वो मामला जो है ना वो समेटा जा सके अपने हक में। तो मैं नहीं समझता वैसे कि अगर इन्हें कोई ऐसी इतला थी सिक्योरिटी थ्रेट्स की और धमाके का पता था तो इन्होंने आखिरी वक्त में बेल आउट किया। ये इत्तफाक कह सकते हैं कि बेल आउट किया उन्होंने प्रोग्राम से और उधर धमाका हो गया। वैसे मैं तो मतलब इन्हें इस मामले में थोड़े से राइटी नंबर जो है ना वो लाजमी दूंगा। अच्छा मुनीर साहब, बताइएगा जब भी इस तरह का कोई सानिया होता है, ये सानिया पेशावर है या सानिया मॉडल टाउन है, ये सानिया बाजोड़ है और दीगर सानिया इस तरह के, प्राइम मिनिस्टर साहब है, चीफ मिनिस्टर साहब है, दीगर जो मिनिस्टर्स हैं वो बयान दे देते हैं कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। इसी तरह का हाफिज अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इसका जो बदला है वो इकतदार में आकर लेंगे। अब जहरी बात है, अब हुकूमत भी इनकी है, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं,
हुकूमत इनकी है, क्या अब वो बदला नहीं ले सकते, या फिर ये एक सियासी बयान है, ये एक सियासी लॉलीपॉप है जो अवाम को दिया जा रहा है, अवाम को खुश करने के लिए ये कहते हैं कि हम ये इसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मुजम्मत तो सारी बात है, हर बंदा करेगा, जो आपकी और मेरी जी, मुनीस साहब आपको आवाज आ रही है आप मेरी? ऐसी बात तो की है कि हम इक्तदार में आ जी आ रही है, जी आ रही है। जी अगर हाफ साहब ने कोई ऐसी बात है कि इक्तदार में आके बदला लेंगे, तो मेरा ख्याल है हाफ साहब ने ज्यादती की है। इस वक्त भी वो पीडीएम की सूरत में, पीडीएम की सरबराही उनके पास है, तो और इक्तदार में आना किसे कहते हैं? मतलब आप मुस्तकबिल में अगर तो उन्हें नजर आ रहा हो कि वो 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे, तो फिर तो कुछ समझा जा सकता है। लेकिन अगर अब वो अभी भी इक्तदार में है और अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं, तो फिर मुस्तकबिल में भी अगर वो इक्तदार में आ गए, तो वो ऐसी ही बेबसी जाहिर करेंगे। तो खुदाना खास्ता ऐसा कुछ आने हो गया और ऐसी ही वो मजम्मती है, वो मुनासिब नहीं है। इन्हें तो अमली कदम उठाना चाहिए, जहां पे सिक्योरिटी लैचेस थे वहां पे उन्हें कवर करना चाहिए, जहां पे जिसकी जिम्मेदारी थी नहीं पूरी की गई, जिम्मेदारों को सजा देनी चाहिए, और जिन्होंने ऐसा कभी फेल किया है उनको पकड़ के चौकों और चौराहों में लटकाना चाहिए। अच्छा, अवामी नेशनल पार्टी के सदर जो है एमल वली खान साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है और हैरत में मैंने वो ट्वीट पढ़ा तो दंग रह गया कि किस तरह का ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि ये जो धमाका हुआ है इसमें जो मेन हाथ है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से मेरे पास प्रूफ भी मौजूद है। जाहरी बात, उन्होंने ये ट्वीट एवे नहीं कर दिया, उनके पास प्रूफ है तभी उन्होंने ट्वीट किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ऐसा ट्वीट मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, और मेरी नज़र से पोस्ट जरूर गुजरी थी, और मैं समझा था कि शायद ऐसी पोस्ट जो है ना वो फेक हो सकती है। दोनों इत्तेहादी पार्टी हैं, पीडीएम में मौजूद हैं, और इस वक्त शाना बशाना चल रही हैं, तो आपस की लड़ाई जो है वो शायद मतलब मुझे तो समझ में नहीं आई। लेकिन अगर ये ट्वीट किया है उन्होंने और जेन्युइन बात है, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी केपी के पे कब्जे की जंग हो सकती है। जैसे पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और पीटीआई का एक मेजर वोट बैंक मौजूद है केपीके में, तो शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ये समझते हो कि पीटीआई के बाद अगर कोई, अगर हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने दस्ते सबकत ऐसे ही रखा जैसे अब मौजूद है, तो शायद हमारा नंबर आ जाए। और यही जो है वो शायद यही एएनपी वाले भी यही समझते हों कि हमें भी हमारी हैसियत के मुताबिक केपीके से जो है वो हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये अगर तो ये बयानात हैं तो अगर मौलाना साहब ने ये किया है तो उन्होंने खुद को फेमस करने के लिए, फेम लेने के लिए उन्होंने ये किया है कि पीटीआई जो है उसको वहां पर दबा लिया जाएगा और हम आगे आ जाएंगे, ये यानी कि मौकफ उनका हो सकता है, ये ख्याल हो सकता है? नहीं, मैं तो खैर मैंने आपको पहले कहा, मैं तो नहीं ये कहता कि किसी ने खुद बम धमाका करवाया। देखिए, ये इतना बड़ा फेल, 50-60 इंसानों की जान लेना, ये भी कोई इंसान और खास तौर पर मुसलमान तो ऐसा फेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर एमल वली खान साहब ने ये कहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने खुद ये बम धमाका करवाया, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें सामने आना चाहिए, और ऐसे सबूत मीडिया समेत जो है वो इदारों को भी देने चाहिए, और हाँ, मौलाना को पूरी तरह एक्सप्लेन करना चाहिए। वरना आप अगर आप देखें तो इलेक्शन का जो बिगल है वो बज रहा है, तो अगर आपकी इंतजामिया धमाके हो जाते हैं, तो कल को तो आपकी कैंपेन्स चलनी है जो इंतखाबी हैं, तो हम उनको सिक्योरिटी कैसे फराहम करेंगे? जो हमारा सियासी वर्कर है वो तो बिल्कुल उसके जान जो है वो हथेली पे रखी जाएगा, फिर वो कहीं पे भी जाना है अगर जलसा है या कोई भी और इस तरह का प्रोग्राम है भी। तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी इदारों को इसको सीरियस लेना चाहिए, और अगर किसी के पास सबूत हैं कि ये किसी ने खुद करवाया है या किसी और ने करवाया है, तो वो सबूत पेश करें और बिल्कुल, उस आपकी आवाज कट रही है मेरे, मुझे लगता है सिग्नल इशू है। मुनीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है, आवाज भी आ रही है। अच्छा लास्ट पे बताइएगा कि जो जख्मी हुए हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनके वर्सा ने जो एफसी अहलकार है उनको हॉस्पिटल से धक्के मार कर बाहर निकाला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा पहले तो एक पॉइंट मेरा रह गया, हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना जी, वो बहुत इस वक्त गंभीर सूरत हाल है उसकी। देखते हैं कि जी कभी हम डिफॉल्ट कैच पे हैं, फॉरेन जो पेमेंट्स हैं वो हमसे नहीं हो रही, कभी हम इंपोर्ट को बंद करते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि चाइना का एक वफद जो है ना वो पाकिस्तान में आया है, और ये धमाका इस मौके पे होना, जैसे हम पहले देख रहे थे मुख्तलिफ पॉइंट्स को कि खुद करवाया जा सकता है हमदर्दी से मिटने के लिए, तो मेरा ख्याल है एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि इस मौके के ऊपर जब चाइनीज डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है और इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो दूसरी साइड जो है वो ये कहती है कि कभी धरना हो जाता है चाइनीज इन्वेस्टमेंट रोकने के लिए और कभी ऐसा धमाका हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिनका हल होना, हकायक को सामने लाया जाना बड़ा जरूरी है। रही बात जो आपने की कि अहलकार जो हैं वो उनको हॉस्पिटल्स में धक्के दिए गए, बदकिस्मती के साथ हमारी जमात समेत बाकी जमातें जो हैं वो आर्मी की और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में रोल के खिलाफ हैं, लेकिन हम इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में रोल के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन अगर नफरत को इस महज पर पहुंचा दिया जाए कि हम अपने ही सिक्योरिटी इदारों को उनके अहलकारों को धक्के देंगे, उनसे नफरत का इजहार करेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे बैरूनी कुवतें मजबूत होंगी, इससे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होने वाला। और अगर एफसी के अहलकारों को जो उधर सिक्योरिटी देने के लिए पहुंचे थे उनको अगर धक्के दिए गए तो ये भी एक काबिले मतलब जो है ना जी फेल है। हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि इस लेवल पे हम जाके इस तरह के अमाल करें। और फिर वैसे भी हमने देखा है अगर JUI पे की तरफ से के हमायतियों की तरफ से अगर ये किया गया है तो ये तो और भी एक बुरी चीज है। अब हम देखें कि वो तो इज्जत दो का नारा जब लगा रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्टेब्लिशमेंट के रोल के सबसे ज्यादा खिलाफ थे, और अब अगर PDM अपनी आई है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे ही बैठ के आई है, ये आपको मुझे और सारी आवाम को मालूम है। तो अगर आप एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के इकतदार के मजे ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने कारकुनान और उनके जो हैं आपने हमायती लोग हैं उनके दिल में दिमाग में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ इस तक जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये इंतहा नामुनासिब बात है। तो मजम्मत जरूर करें आर्मी के रोल की, इस्टेब्लिशमेंट के रोल की सियासत के अंदर, लेकिन ऐसे फेल के धक्के दिया जाना या आर्मी को सोशल मीडिया पे या किसी बुरा भला कहा जाना मेरा ख्याल है किसी भी तरह मुनासिब नहीं है, और इससे पाकिस्तान कमजोर होगा और बैरूनी दुश्मन जो है वो मजबूत होंगे। बिलाशुबा उनको इस हवाले से कुव्वत तो जरूर मिलेगी, और जो बयान है वो एक सियासत की हद तक नहीं देना चाहिए बल्कि उसके प्रैक्टिकल भी करना चाहिए कि फ्यूचर को मद्देनजर रखना चाहिए। इस तरह के साने जो है वो पाकिस्तान में काफी हो चुके हैं, अगर इसी तरह की सिचुएशन रही और इसी तरह के हम बयान देते रहे, अगर हमने इसी तरह कोई प्रैक्टिकल ना किया तो मजीद इसी तरह की सिचुएशन से हमें दो चार होना पड़ सकता है। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकअल्लाह जी मुबारक।